गोरखपुर आर्फ्स एवं गायनी सोसाइटी और फाक्सी के तत्वाधान में आयोजित मातृत्व सुरक्षा विषय पर चल रहे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के तीसरे दिन रविवार को वाकाथान सिंपोजियम पब्लिक फोरम संवाद के साथ समापन हो गया, जिसमें देश विदेश से आए 400 से अधिक स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञों ने प्रतिभाग किया। कॉन्फ्रेंस में पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा छात्रों ने 40 शोध पत्र प्रस्तुत किए। डॉक्टर सुरीता करीम, डॉक्टर बबीता शुक्ला, डॉक्टर साधना गुप्ता, डॉक्टर रीना श्रीवास्तव, डॉक्टर अमिता जयपुरियार और डॉक्टर राधा जीना के संयोगत्व में आयोजित कॉन्फ्रेंस में अंतिम दिन गर्भवती महिला को अपने स्वास्थ्य के प्रति हमेशा सचेत रहने, अपने आहार और रहन सहन पर ध्यान रखते हुए समय समय पर जरूरी जांच कराने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सक ने सलाह दिया। इस दौरान पब्लिक फोरम परिचर्चा के में चिकित्सकों के साथ ही न्यायपालिका, विधि, पत्रकारिता, शिक्षा, सामाजिक संगठनों और विभिन्न व्यवसायों से जुड़े प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया तथा अपने विचार व्यक्त किए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर साधना गुप्ता ने कहा, नहीं है कि अब वो सब चीजें नहीं है कि गर्ल्स कुछ नहीं कर पा रही है, कुछ नहीं मौका पा रही है, हर तरह से लड़कियां बदल रही है। और आपकी बात से इत्तेफाक रखते हुए मैं एक बात आगे बढ़ाना चाहूंगी कि मैंने 1999 से 2013 तक नियर अबाउट 14-15 ईयर्स तक फैमिली बोर्ड में फैमिली काउंसलिंग की है और बहुत सारे जोड़ों को विदा किए हैं। और मैंने ये अपना एक कंक्लूजन ड्रॉ किया है सारी कुछ से कि अगर हम प्री मैरिटल लेवल पे काउंसलिंग शुरू करते हैं तो पोस्ट मैरिटल काउंसलिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसमें बहुत सुधार होगा। काउंसलिंग इज अ वेरी बिग डील। काउंसलिंग से अगर बच्चों का माइंड वॉश रहेगा, बच्चे बच्चियां समझेंगे कि हमारा भविष्य हमें कहाँ ले जाएगा, फ्यूचर में हमें क्या करना चाहिए एंड व्हाट नॉट टू डू। क्योंकि एक बार में बुरी नहीं बदलता आएगा कि जब समाज में चेंज आएगा, क्यों समझेंगे बच्चे लेकिन हम लोग अपने को सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेट कर सकते हैं। अरे सास के जमाने में क्या था, 10,000 में 600 औरतें मर जाती थी, हर फैमिली में डेथ होती थी। अब नाउ इट इज सच अ रेयर इंसिडेंट, सो इट इज अ गुड टाइम एंड वी फिनिश हमने इन 3 दिनों में देश और विदेश के विशेषज्ञों, पार्टिसिपेंट्स, सबके संग में प्रसूति व स्त्री रोग से जुड़े सभी तकनीकी ज्ञान और प्रोग्राम्स के लेवल पे बात की है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सम्मेलन हुए हैं, जैसे ICOG, इंडियन कॉलेज ऑफ गायनी, जेस्टोसिस, रॉयल कॉलेज ऑफ गायनी, सेफॉग जो कि साउथ एशियन फेडरेशन है, जिसमें इन देशों के विशेषज्ञ लोगों ने अपने देश में जो काम हुआ है उसको हमारे हम लोगों के संग में शेयर किया है। इसमें करीब 50 शोध पत्र पढ़े गए। बांग्लादेश और नेपाल से भी लोग क्विज में और अपने रिसर्च वर्क प्रस्तुत करने आए और उसमें अच्छे लोगों को अवार्ड दिया गया। इसके अलावा यहाँ पे फिगो के पास प्रेसिडेंट डॉक्टर अरुण कुमारन, फॉक्सी के पास प्रेसिडेंट डॉक्टर PC महापात्रा और डॉक्टर संजय गुप्ते ने अपने विशेष विशेषज्ञ चीज़ों पे संभाषण दिए।
डॉक्टर प्रताप कुमार जो कि फीटल मेडिसिन के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने अपने की नोट एड्रेस दिए। डॉक्टर, ये जो इस कार्यक्रम में करीब 500 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें पूरे देश के कोने कोने से, हर प्रदेश से एक्सपर्ट्स भी आए, पार्टिसिपेंट्स भी आए, युवा, सीनियर, बहुत सीनियर, सारे लोगों ने इसमें शिरकत की। ये कार्यक्रम का अकादमिक स्तर बहुत ऊँचा था और हर सेशन, हर सत्र का जो समय था, सारी विधि थी, उसकी सारे लोगों ने दिल खोल के प्रशंसा की। हमें पूरी उम्मीद है कि इस कॉन्फ्रेंस से इस क्षेत्र के लोगों में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मातृत्व और शिशुओं की जो स्वास्थ्य स्टैटिस्टिक्स है वो बहुत अच्छी नहीं है, और गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत देशों से हमारा उत्तर प्रदेश में उतना अच्छा स्वास्थ्य, इसके पीछे कई कारण हैं, और ये सारे लोगों की जिम्मेदारी है। इसके लिए एक पब्लिक फोरम का आयोजन किया गया है, जिसमें शिक्षाविद, मीडिया, न्याय, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोगों ने भाग लिया, जिसमें इन मुद्दों पे कि डॉक्टर्स की सुरक्षा पे जो पहलू आ रहे हैं, मिनी अदालती मामलों में उनको फंसाया, उनको ऊपर जो आरोप आते हैं जिसकी वजह से वो बहुत तनाव में रहते हैं और बहुत से लोग ऑब्स्टेट्रिक प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, तो सारे मुद्दों से बात की। क्योंकि अगर डॉक्टर्स ही नहीं रहेंगे तो गर्भवती माताओं की देखभाल कौन करेगा, अगर वो प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो कैसे करेगा। तो ये डिस्कशन बहुत अच्छा रहा, सभी लोगों ने अपना किया, सब लोगों ने आपस में कम्युनिकेशन किया, और आज हमारे समापन समारोह में सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को सम्मानित किया गया, जिन लोगों ने इसमें भाग लिया था, होटल मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग, सारे लोगों ने उसमें भाग लिया, जो पेपर प्रेजेंट थे, क्विज के जो विजेता थे उनको सम्मानित किया गया। और ये गर्व की बात है कि समापन समारोह तक यहाँ पे करीब 100-150 लोग उपस्थित थे, वो लोग रुके हुए थे, और फीगो जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ गायनी की संस्था है, उनके हेड हमारे यहाँ खुद उपस्थित थे कि हम उन लोगों को सम्मानित करें। तो ये सम्मेलन एक मील का पत्थर साबित होगा एक क्षेत्र में, और हम लोगों के तकनीक, स्किल, सारी चीज़ बढ़ेगी और लोग भी उसमें इन्वॉल्व होंगे, ऐसी उम्मीद करते हुए हम बहुत खुशी से इस चीज़ का समापन करते हैं।